देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखिए वी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल और आप देख रहे हैं वी न्यूज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का बुधवार यानी आज सुबह निधन हो गया। अहमद पटेल ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज सुबह 3:30 पर आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि वो करीब एक महीने पहले कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद से उनका इलाज चल रहा था और उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। वहीं इस बात की जानकारी कत्तरवर्षीय अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने दी। कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले अहमद पटेल को जनपद का चाणक्य भी कहा जाता था। तो चलिए एक नजर डालते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के जीवन पर। 21 अगस्त 1949 को गुजरात के भरूच जिले की अंकलेश्वर तहसील के पिरामड गांव में जन्मे अहमद पटेल को सियासी बिसात का होनहार माना जाता था। मोहम्मद इश्कजी पटेल और हवा बहन मोहम्मद भाई के घर जन्मे अहमद पटेल के पिता कांग्रेस में थे। पिता की सीख और राजनीतिक परवरिश में अहमद पटेल राजनीति की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे और बहुत तेजी के साथ बुलंदियों पर पहुंच गए। पिता के अनुभवों नसीहतों ने अहमद पटेल की जिंदगी कितनी बदल दी थी, ये उनके राजनीतिक कद को देखकर अच्छे से समझी जा सकती है। वहीं अगर बात करें कद्दावर कांग्रेस नेता अहमद पटेल के परिवार की, तो अहमद पटेल का परिवार राजनीति से दूर है। अहमद ने वर्ष 1976 में मैमूना अहमद से शादी की थी, लेकिन तब से लेकर अब तक पटेल के परिवार का राजनीति से कोई नाता नहीं है। अहमद पटेल के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बता दें कि अहमद पटेल कांग्रेस के ऐसे नेता थे जो राजीव और सोनिया गांधी के परिवार के बहुत ही करीबी और विश्वसनीय थे। राजनीतिक धुरंधर के रूप में जाने जाने वाले कद्दावर नेता अहमद पटेल कांग्रेस के चाणक्य भी कहे जाते थे। लोकसभा सांसद और 5 राज्यसभा सांसद रहे अहमद पटेल का सिक्का कांग्रेस में जमकर चलता था। बात करें अहमद पटेल की राजनीतिक सफर की, तो उनकी राजनीतिक जिंदगी की लकीर इंदिरा गांधी से होते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के दौर तक रही। हां, इस बीच कई बार लकीर मजबूत हुई तो कई बार कमजोर भी दिखी, लेकिन बदलते हालातों के बीच अहमद पटेल ने गांधी परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ा। चलिए जानते हैं कद्दावर नेता अहमद पटेल के राजनीतिक सफर को। गुजरात से आने वाले अहमद पटेल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के काफी करीबी माने जाते थे। सोनिया गांधी ने साल 2001 में अहमद पटेल को अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया था और इसके बाद से उन्होंने सोनिया गांधी के हर फैसले में साथ दिया। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनका 10 में सीधा आना जाना था। कहा जाता है कि कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों और संकेतों को उन्हीं के जरिए दूसरे बड़े नेताओं तक पहुंचाया जाता था। इसके अलावा 1977 से 1982 तक पटेल गुजरात के यूथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। सितंबर 1983 से दिसंबर 1984 तक वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे। 1985 में जनवरी से सितंबर तक वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सदस्य सचिव रहे। उनके अलावा अरुण सिंह और ऑस्कर फर्नांडीज भी राजीव के संसदीय सचिव रहे। सितंबर 1985 से जनवरी 1986 तक पटेल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रहे। कांग्रेस के तालुका पंचायत अध्यक्ष के पद से राजनीति की शुरुआत करने वाले पटेल जनवरी 1986 में गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो वो अक्टूबर 1988 तक रहे। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो पटेल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया, जो वो अब तक थे। वहीं 1996 में पटेल को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का कोषा अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हालांकि साल 2000 सोनिया गांधी के निजी सचिव वी जॉर्ज से तकरार होने के बाद उन्होंने ये पद छोड़ दिया था और अगले ही साल से सोनिया के राजनीतिक सलाहकार बन गए थे। संगठन में इन पदों के अलावा वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, मानव संसाधन मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के मदद के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य भी रह चुके थे। 2006 से वो वक्फ संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे।
अहमद गुजरात यूथ कांग्रेस कमेटी के सबसे युवा अध्यक्ष तो थे ही, वो एहसान जाफरी के अलावा दूसरे ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने गुजरात से लोकसभा चुनाव जीता था। बहरहाल राजनीति से दूर और सादगी का जीवन जीने वाले अहमद पटेल के जाने से पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर है।